दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ की संस्कृति और रहने का तौर तरीका दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी अलग होने के कारण ये देश पूरी दुनिया से लगभग हर साल करोड़ों की मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मोरक्को दुनिया का एक ऐसा ही देश है जहाँ की इमारतें और रहन सहन पूरी दुनिया से काफ़ी अलग होने के कारण यहाँ पर काफ़ी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को शूट किया जाता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ मोरक्को के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। मोरक्को का ज़्यादातर इलाका सहारा मरुस्थल में आता है। यही कारण है कि एक समय के दौरान मोरक्को के काफ़ी सारे लोग बंजारे की ज़िंदगी गुजारते थे। मोरक्को की बंजारन देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं और उनका पहनावा और टैटू उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। मोरक्को में शादियों में लड़कियों को काफ़ी बड़ा और अजीब तरह का पहनावा पहनाया जाता है। रहन सहन के लिहाज से मोरक्को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अच्छा देश माना जाता है और यहाँ के लोगों का इनकम भारतीय और पाकिस्तानियों से लगभग दो गुना के आसपास है। मोरक्को का एक दिरहम भारत का लगभग 7 रुपये होता है और भारत से मोरक्को जाने का खर्चा लगभग 1 लाख रुपये के आसपास होता है। इजिप्ट के अलावा मोरक्को अरब दुनिया का दूसरा वह देश है जिसके साथ इसराइल का शांति समझौता कायम है। एक समय के दौरान मोरक्को फ्रांस की कॉलोनी होने की वजह से यहाँ की आबादी में ज़्यादातर लोग मुसलमान होने के बावजूद यहाँ का रहन सहन काफ़ी मॉडर्न माना जाता है। मोरक्को में सरकारी भाषा के तौर पर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि मोरक्को में अपने प्रेम को दिखाने के लिए दिल के बदले लीवर की फ़ोटो का इस्तेमाल किया जाता है। मोरक्को मॉडर्न देश होने की वजह से यहाँ पर महिलाओं को काम करने की पूरी आज़ादी दी जाती है। मोरक्को में दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी का परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अगर मोरक्को में किसी भी इंसान को बाएं हाथ से खाने को देते हैं तो इसे वहाँ पर बहुत ही खराब नज़रिए से देखा जाता है। मोरक्को के गलियों और दुकानों में घूमना काफ़ी रोमांचक माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।